नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों और अन्नदाताओं, सभी किसान भाइयों को राम राम। आज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक की पूरी जानकारी देने वाला हूं। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आज प्याज का क्या माहौल रहा, कितनी क्या गाड़ियों की आवक रही, प्याज में कैसी क्या कितनी का उछाल देखने को मिली, पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आज 8 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आज प्याज में देखने को मिली कुछ उछाल। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी पता लग जाएगी। जैसा किसान भाइयों, पिछले हफ्ते में राइवल जो रहा वो काफी ज्यादा था, उसकी वजह से प्याज में कोई खास उछाल देखने को नहीं मिली। 125, 110, 115 गाड़ियों के लगातार आवक है, उसकी वजह से प्याज में कोई उछाल देखने को नहीं मिली। मीडियम क्वालिटी का प्याज रेट चलते रहा, लेकिन इस हफ्ते में प्याज में उछाल देखने को मिलेगी और आगे चलकर भी मिलती रहेगी, क्योंकि अब राइवल थोड़ा कम आ रहा है। 80, 85, 90, 95 गाड़ियों की अगर आ रही है मार्केट में, तो आप लोगों को अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास प्याज स्टॉक लगा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके मंडी में लाइए, ताकि आपको अच्छी रेट मिल सके। 2500 से लेकर के 2800 प्रति क्विंटल के हिसाब से और 28 रुपये से लेकर के 31 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। 18 रुपये से लेकर के 22 रुपये किलो प्याज बिक रहा है और 25 रुपये से लेकर के 27 रुपये का प्याज का भाव चल रहा है। प्याज का भाव काफ़ी हद तक ठीक देखने को मिला, 1 रुपये तक की उछाल भी देखने को मिली। किसान भाई, अगर आपके पास प्याज स्टॉक लगा हो थोड़ा थोड़ा